अगर मैं आपसे पूछूं आप सुबह के नाश्ते में क्या लेते हैं बताओ। ये आपसे नहीं तो इस फॉरम के अंदर भरा हुआ है, मैं यही बोल दूंगा या फिर आप बता दो सुबह के नाश्ते में क्या लेते हैं। ये लिखा है पराठा, ये आपका लिखा है, आपकी सभा में से ये फार्म आया है और सबकी लगभग यही हालत है। हम सुबह के वक्त पराठा लेते हैं, ब्रेड लेते हैं। दोपहर के भोजन में आप क्या लेते हैं बताओ, रोटी सब्जी लिखी है। अगर आप इससे कुछ अलग हो तो बता देना। शाम को 4 बजे हम क्या लेते हैं, दूध बिस्किट या चाय। शाम के भोजन में क्या लेते हैं, चाय विस्कुट, जिसके अंदर विष कूट कूट के भरा हो उसका नाम विस्कुट। रात्रि के भोजन में क्या लेते हैं बताओ, दाल रोटी। ये एक फार्म की हालत नहीं, कनक के ढेर में से एक मुट्ठी भर लो सारा ढेर वैसा ही होता है, आपके सभा में से एक फॉर्म भर के आया, सभी की हालत यही है और हम सबको मालूम है। ये चारों टाइम हम जो खा रहे हैं ये मिट्टी मिट्टी खा रहे हैं, इसमें पानी नहीं है। ये जो मिट्टी मिट्टी खा रहे हैं इससे मिट्टी मिट्टी खाते खाते जैसे पौधा सूख गया ऐसे हम सूख गए, जैसे इस पौधे के इस टहनी के अंदर गैप आ गया ऐसे हमारी घुटनों की हड्डियों की ग्रीस खत्म हो गई, हमारी हड्डियों के अंदर गैप आ गया। जैसे ये पौधा अकड़ गया ये मुड़ता नहीं, ऐसे हमारी कमर नहीं मुड़ती, हमारी एडी नहीं मुड़ती, हमारी गर्दन नहीं मुड़ती, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस साइट का पेन, गठिया, तरह तरह के घुटनों के जोड़ों के रोग लग गए, हम ऐसे हैं। ये खाते पीते घरों के भूखे हैं, इनकी रसोई भरी हुई है, इनका फ्रिज भरा हुआ है, इनका डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, लेकिन पेट तड़फ रहा है अपने भोजन के लिए। भूखे, अगर भूखे व्यक्ति को कहो तू खुश रहे तू प्रसन्न रहे कैसे संभव होगा, आप सब भूखे हैं, आप सब प्यासे हैं, आपके शरीर को वो मिल ही नहीं रहा जो आप चाहते हैं। आप लोगों को पूरी पराठी के भंडारे की जरूरत नहीं है, आप लोगों के जेब में पैसे हैं, आपको समझ की जरूरत है, आप लोगों को ऐसे भंडारे लगाने चाहिए। अगर मैं बोलूं ऐसा भंडारा लगाओ तो सारे लोग सरपंच साहब की तरफ देखेंगे, सरपंच साहब ऐसा एक भंडारा लगा दो। क्यों, कोई नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, कोई नहीं कहता भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो। सरपंच साहब लगाओ, सरपंच साहब के ऊपर जिम्मेवारी। हम जागरण कराते हैं, हम चौकी कराते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, हम एनिवर्सरी मनाते हैं, तो सरपंच साहब से पूछ के मनाते हैं क्या, उसके अंदर भी इतना ही इंतजाम करते हैं, उसके अंदर भी इतने ही लोगों को बनाते हैं, जब तक एक एक व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता और अपने पूरे समाज को अपने पूरे रिश्तेदारों को ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि अगर मेरे को गलत खाना खिला दिया तो समझ लेना आप मेरे साथ बेइंसाफी कर रहे हो, आप मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे हो, जब तक इसको ऐसा नहीं बनाओगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन हो, जितने मेरे जानने वाले हैं किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन ना हो तो मेरा मोबाइल फ़ोन कोई काम करेगा बताओ। मेरे पास फ़ोन है, मेरे जानने वाले किसी के पास फ़ोन नहीं है तो मेरा फ़ोन काम नहीं कर सकता। तो ठीक ऐसे ही अगर आपको ये समझ है, आपके रिश्तेदारों को आपके जानने वालों को ये समझ नहीं है तो आपकी समझ काम नहीं कर सकती। अपने ऊपर जिम्मेवारी लो, ये भोजन लो, आज का सुबह का नाश्ता जो हम आपको देते हैं ये है कच्चे सलाद। सभी को दिख रही है ये प्लेट, हाँ जी, ये कितनी मात्रा होगी याद रखना। ये मत कहना नेचर क्योर वाले भूखा मारते हैं, जितना खाना अब पहले खा रहे हो उसको तोल लेना एक कांटे के ऊपर, और जितना मैं खिलाऊंगा उसको भी तोल लेना, जितना आप पहला खाते हो उससे दुगना वजन होगा या तिगना वजन होगा।
ये भर प्लेट सलाद जिसको हमने खीरे को छिलके सहित काटा है, इसका छिलका नहीं उतारा है। इसके अंदर कच्चे नारियल की गिरी डाली गई है, ये वाली कद्दूकस करके। इसके अंदर दूध है, घी है, चिकनाहट है, तेल है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये अनसेचुरेटेड फैट है। इसको इसके साथ मिला के अगर आप के मेरी बात कुछ भी पल्ले ना पड़े, कुछ भी पल्ले ना पड़े, बिल्कुल कुछ भी पल्ले ना पड़े, तो एक काम कर लेना, सुबह के वक्त में 8 बजे पेठे का जूस या किसी भी सब्जी का जूस और 10 बजे कच्चे सलाद, इतने मात्रा इतनी होनी चाहिए, चबा चबा के आधे घंटे में खाना, और 12-1 बजे तक कुछ मत खाना।